आम आदमी पार्टी के बुंदेलखंड प्रभारी तथा मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य पुष्पेंद्र श्रीवास्तव ने आज झांसी आकर जिले के संगठन की नभस टटोली। इस दौरान आयोजित पार्टी की बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन में तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि यह कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन कहने वाले ये भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ दिल्ली तथा अन्य प्रदेश भी हुआ करते थे। जिस तरह से दिल्ली में तीन तीन बार आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को तहस नहस किया है, उसी तरह से बुंदेलखंड में भी आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गढ़ का सफाया कर देगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का मॉडल लोगों को आकर्षित कर रहा है, यही वजह है कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में जनता ने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर सत्ता में बिठाया। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा, जबकि गोवा में भी पार्टी ने अपना खाता खोला। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसकी वजह ये है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी के साथ सरकार चलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए पार्टी ने रणनीति तैयार की है। इसके लिए बूथ स्तर से लेकर वार्ड स्तर तक, वार्ड स्तर से लेकर महानगर स्तर तक संगठन श्रृंखला को खड़ा किया जाएगा। जल्दी जिले की बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्यसभा सांसद तथा उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय झांसी की इस सभा में बुंदेलखंड प्रभारी पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, कैलाश कुशवाहा, अर्पित चौहान, अनिरुद्ध प्रताप सिंह, साजिद सिद्दीकी, पुत्तू सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हूँ और मैं बुंदेलखंड का प्रभार है मेरे पास। मैं मॉनिटरिंग कमेटी में मेंबर हूँ और जिस तरह से आप सब लोगों को पता होगा कि आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन निर्माण के कार्य में जुटी हुई है। इस सिलसिले में यहाँ पे भी जिम्मेदारी दी गई है, जिला संगठन निर्माण प्रभारी हैं, उनके साथ 5 लोग सह जिला संगठन निर्माण प्रभारी हैं और जिन विधानसभाओं से हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े थे वही वहाँ के संगठन निर्माण का काम देख रहे हैं, वहीं से प्रभारी हैं। उसी की समीक्षा बैठक के लिए मैं दिल्ली से आया हूँ कि किस तरह से हमारे संगठन निर्माण का कार्य चल रहा है, क्या प्रगति है, क्या व्यवधान आ रहा है, लोग नए किस तरह से जुड़ रहे हैं, उनकी क्या आशाएं आकांक्षाएं हैं और हम उनको किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं अपनी पार्टी में लाने के लिए, इसी सब पे एक चर्चा करने के लिए हमारी ये झांसी जिले की बैठक है और इस बैठक में आज इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा होगी। हमारा मुख्य फोकस संगठन निर्माण है और हम उसी पे बात करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप सभी मीडिया के साथियों का भी बहुत स्वागत करता हूँ। हम बताना चाहते हैं आपको कि आने वाले समय में मेरे ख्याल से नवंबर या दिसंबर में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है, नगर पंचायत परिषद है, इस चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी बहुत जोर शोर से कर रही है। आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का विस्तार पूरे देश में हो रहा है। अभी हमने जो लेटेस्ट चुनाव विधानसभा के हुए थे उसमें पंजाब विधानसभा में किस तरह से ज़बरदस्त बहुमत दिया हमको वहाँ की जनता ने, आप सबने देखा होगा। गुजरात में हमको अभी हम कोशिश कर रहे हैं इस बार। गोवा में हम चुनाव लड़े थे, वहाँ भी हमारा खाता खुला, वहाँ हमारे 2 सीटें जीती हमने MLA की। तो इस तरह से लोगों का आकर्षण आम आदमी के प्रति बढ़ रहा है, हमारी पार्टी के प्रति बढ़ रहा है और इसी सिलसिले में माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनकी नीतियाँ जिस तरह से वो दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, जो दिल्ली सरकार का हमारा मॉडल है, काम करने का तरीका है, वो देश में लोगों को पसंद आ रहा है। इसी कड़ी में हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी दिन रात लगे हुए हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत हो और जो आने वाला निकाय चुनाव है नवंबर दिसंबर में होने वाला है, जिसमें नगर पालिका परिषद और पंचायत, इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी। मैं यहाँ आ रहा था तो कुछ लोगों का, हमारे साथी वो कहने लगे भाई बुंदेलखंड तो भाजपा का गढ़ है, तो हमने कहा भाजपा का गढ़ तो दिल्ली भी था, भाजपा का गढ़ बहुत सारी जगह पे था, हमने कई जगह तबाह किया उनको, दिल्ली में तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार भाजपा को धूल चटाई है, तो बुंदेलखंड में भी हम भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देंगे और जो हमारा निकाय चुनाव है नगर निगम का भी और नगर पालिका का भी और नगर पंचायत का, तीनों में आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी और उसके लिए जो हमारे यहाँ के साथी हैं, जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं कैलाश कुशवाहा जी, प्रदेश कमेटी के साथी हैं अर्पित सिंह जी, मोहनलाल जी जो हमारे साथ यहाँ आपको दिख रहे हैं मंच पे, सत्येंद्र जी हैं, भास्कर जी, तमाम साथी जो हमारे बैठे हुए मंच पे, ये सारे इसी मुहिम में लगे हैं। कई साथी मंच पे नहीं है, वहाँ पीछे बैठे हैं आपके, वो सब इस कार्यक्रम में बहुत जोर शोर से लगे हैं और हमारा संगठन निर्माण का काम ये 2 महीने चलेगा। इसके बाद
जगह जगह हमारी जिले की मीटिंगें होंगी, बैठकें होंगी, जिसमें माननीय सांसद हमारे राज्यसभा के जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह खुद पार्टिसिपेट करेंगे, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे और कमेटियों का यहाँ गठन होगा, जैसे जिला कमेटी है, वार्ड कमेटी है। तो अभी जो हमारा काम मेन संगठन निर्माण का है, हम वार्ड अध्यक्ष बना रहे हैं और वहाँ से जो उस वार्ड से कोई चुनाव लड़ने वाला साथी प्रत्याशी आगे आ रहा है तो हम उसको छटनी कर रहे हैं उसकी, और बूथ बना रहे हैं। बूथ के अंदर हम एक एक मोहल्ला प्रभारी बना रहे हैं, हर 30 घर पे एक हमारा मोहल्ला प्रभारी होगा और उसके बाद फिर बूथ इंचार्ज होगा और बूथ इंचार्ज के बाद फिर वार्ड अध्यक्ष होगा। तो इस श्रृंखला में पार्टी का संगठन निर्माण का कार्य चल रहा है और मुझे बहुत खुशी है, मैं झांसी में आया हूँ कि इतनी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जबकि मेरे ख्याल से परसों नरसों दो दिन पहले की शॉर्ट नोटिस पे कार्यक्रम रखा गया है और इतने सारे साथी यहाँ इकट्ठा हैं, उसमें से बहुत सारे नए साथी जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये मऊरानीपुर विधानसभा से हैं, ये सारे साथी एक संदेश, जैसे इनको पता चला कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पे कोई बैठक है, सब लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आम आदमी पार्टी में, और इसी सिलसिले को आगे और कैसे मजबूत किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए मैं आज यहाँ पे आपके बीच में उपस्थित हूँ। आपके कोई सवाल हो? मेरा सवाल ये है।